टाइम तंग कर दिया कि टाइम तो आना तो सुबह असी मतलब एक्चुअल प्रमोशन शुरू करने तो पहला असी एक रील तो एक फोटो तो बनानी बनानी सो आए मैं तंग कर दी पहली बार मिल रही हूँ तुम ना मैं बड़े इदा शांत शांत सुना भोलू भालू टाइम मैं बच्चों तो हसबेंड मिस करती हाँ गल जमा सही है कि साढ़े इतने पंजाब चो न्याणे हिंदी बोलने लग गए पर उत्थे स्कूलों के उड़ाड़ा अज भी पढ़ाया जाता बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदी मदनी हो दुनिया लख वसदी लख वसदी किते मौज ना पंजाब जही लभनी हो दुनिया लख वसदी सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं हाँ जसवीर कौर सो सिनेमाघरां दे विच एक बहुत सोहनी फिल्म आने वाली है चल जाती है तो उसकी स्टारकास्ट मेरे मौजूद है कुलविंदर बिला जी अदिति शर्मा नीरू बाजवा एंड जस बाजवा जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा थैंक यू जी थैंक यू बहुत मेहरबानी सो शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कुलविंदर बिला जी तुसीं एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हो ये मतलब आप कहते ना एवरग्रीन सारा एक कुछ नहीं छड़ना आप हर फील्ड में आप फुल टिप टॉप रहना सो किद्दां लग्गिआ तुहानूं नहीं इदा तो नहीं हों भी आप हर एक फील्ड के टिप टॉप रहने वाली गल है पर इस फिल्म के कॉन्सैप्ट ऐसे दिलों जुड़े से कि लगता से ये फिल्म आप आप करिए कई जो आप किसी होर प्रोड्यूसर होर किसी बैनर काम करते हैं फिर तो लगता हों बाद यार भी ये चीज़ बहुत वधिया सी यार जे ए हो जाती तो इतने ए हो जाती हूँ ए लगता भी हूँ सारा अपने हाथ के जो तुम कोई चंगी चीज़ बनानी है तो तुम्हें वो फिर ये स्टैप तो चकना पैदा जिहड़ा फिल्म का कंसैप्ट है वो यूथ नाल भी बहुत जुड़े है वड्डियां नाल जुड़े है तो मतलब बड़ा इमोशनल चीज़ा भी है रियालिटी भी दिखाई गई है कि जो जाते पिंड छड़ के घर छड़ के सो वो तुसीं कितना ना कितना किन्ना कि आप फील किया वो चीज़ बिल्कुल ये जिहड़ियां कहानियां ने जिहड़े अलग अलग साडे करैक्टर वालों पेश कीतियां ने वो कहानियां नाल ऑटोमैटिकली फीलिंग सी जुड़िया हुई से एक दर्द है साडा जो पंजाबी ने हर एक पंजाबी कई पंजाबी खास करके इदा नहीं कहने भी आप बारे जिन्हें भी उन्होंने सारा आप कहे भी वो उन्होंने वास्ते कोई चीज़ नहीं हैगी हर बंदे लिए एक अपनी अपनी फीलिंग हैगी पर मैं लगता पंजाब प्रति जो भी जिदा बहरले बहुत सैटल ने पर कई जी करता हूँ भी असी पंजाब जाइए कई स्टूडेंट ने गए कोई पक्के नहीं तो उन्होंने परिवारों उन्होंने मिलने जी करता है विआह शादी प्रोग्राम कोई इदा दे मिस हैपने हुए उदो वापस नहीं मुड़ाया जाता जिदा जस का एक इस करैक्टर हैगा वो जिदा उस संताप वेले दे कई फैमलियां उत्थे चल गई तो वापस मुड़ नहीं सके ना परिवारों को बुला सके वो जो दर्द है ऑटोमैटिकली पंजाब के नाल जुड़े हुए इमोशनस ने तो मैं लगता है वो सारे ही अपने फील किए सो टू बाजवा जा विद मी सो तुसी दसो तुसी किन्ना करंट या किन्ना तंग किया तुसी मैं नहीं मैं तो किसी नु नहीं तंग करदी आई एम हां कल रील्स बना के क्योंकि मैं ना जिन्ने भी को आर्टिस्ट है ना कि मैम ना मतलब नीरू जी रील्स बहुत दे टाइम तंग करदी हां कि टाइम ते आना ते सुबह असी मतलब एक्चुअल प्रमोशन शुरू करने तो पहला असी एक रील ते एक फोटो तो बनानी बनानी सो आई मैं तंग करदी ते सोशल मीडिया नाल आई थिंक जस्ट थोड़े थोड़े जे मतलब या ही इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट सो बाकी मैं कह देना कि प्लीज़ एक्सैप्ट कर लो कोलैबोरेशन भेजी मतलब अच्छा असी अगर कहने थोड़े विच भी इदा हुंदा है कि हाँ फोन आए कहना कि हाँ जी कोलैबोरेशन एक्सैप्ट कर हाँ बट इट्स नॉट हिज फॉल्ट एंड ओ एक्चुअली ने एक्टिव नहीं गए सोशल मीडिया तो इट इज़ नॉट के जान के नहीं कर रहे बट ये एक्टिव नहीं गए एंड असी एक टीम हाँ सो इट्स फाइन जिदा मैं अज तुम पहली बार मिल रही हूँ तुम ना मैं बड़े इदा शांत शांत सुना भोलू भालू टाइम हाँ तो वह दसो तुम सच्ची ओदा हो कि मेरी अजम्पशन सही है कि गलत है नहीं मतलब ये तो हम की आंसर दे सकता जी भोलू भालू आंसर चलो जी दसो वो पूरी फिल्म में बहुत घट गल हुई जस ने एक्चुअली मेरे नाल बिल्कुल ही नहीं गल की जस सत श्री अकाल तो फिर लास्ट असी थोड़े बहुत मतलब गल की सी असी सारे कट्ठे सी आई थिंक दैट्स व्हाई मैं उधर ने फिल्म का करैक्टर ही इदा का सी वी यू करैक्टर च रह के रहे हुए सी वी बहुत तो बहुत खुलना नहीं पागलखाने तो बांध तो बाद सारे नु कैसी मेरे नाल कोई गल नहीं करूंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟ ਨੇ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਐਂਡ ਐਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟਰ
नीरू कई बार मतलब हर एक बंदे का सुभाव होंगे जी, बट उदा की कोई इदा की गल नहीं, सारे असी एज एन टीम वर्क कम करते हैं तो सारे बहुत वधिया गलबात भी करते हैं तो हसते खेडते भी हाँ, चाहे वह प्रमोशनस हो चाहे उत्थे हो, पर इदा होंगे भी एक थोड़ी जी एक लाइन होंगी है जी, क्योंकि असी शुरू तो देख देख के हमेशा ऑलवेज देखते रहे हैं। अदिति उन्होंने अंग्रेज़ के मैम उन्होंने तो एक बहुत व्डा रिकॉर्ड लिस्ट है जी, बिले बाई उन्होंने चलो साडा थोड़ा जहा उमें प्यार है क्योंकि असं स्टेजा कट्ठे होंगे रहने उन्ना कंफर्ट जोन च है, एक रिस्पैक्ट होंगी है जी, पर उमें सारा कुछ वधिया सी। मैं थोनू कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, भालू कॉम्प्लीमेंट सी, हाँ ठीक है जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू। नहीं तुम मैं दसो हूँ, मैं होर मेरा हूँ तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने छोटे होंगे भी नहीं किसी ने कहा होना भी भोलू भालू, बट वधिया थोनू याद रहूगा ना कि मैं थोनू क्या। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। सो अदिति मैम, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, घुग्गी भाजी ने भी थोड़ी बहुत तारीफ की, कहिंदे कुड़ी नूं ना कहना पिया कि इमोशनल सीन है, हसना नहीं, कुड़ी दी स्माइल बहुत सोहनी है। सो कितना टफ रहा तुहाडे लई? नहीं बहुत अच्छा रहा, वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए। वो तभी होता है कि जब आपकी पूरी यूनिट साथ में अच्छे से जेल कर रही होती है। सो जब आप सब साथ में मिलके आपका कॉन्सेप्ट और स्टोरी अच्छी हो, उसके बाद सब साथ में मिलके एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ कुछ बनाते हैं तो, और ऊपर वाले की कृपा रहे तो आई थिंक अच्छा ही चीज़ बनेगी। सो आई थिंक कोई कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, एवरीथिंग वाज स्मूथ। इवन थोड़ा बड़ा चुलबुला जो अवतार भी दिखाया गया कुलविंदर बिल्ला जी के नाल, सो वो किदा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज यूजुअली तुम ज़्यादा डेली सोप्स इन बॉलीवुड के भी पंजाब भी काम किया बट ज़्यादा सीरियल्स के, किन्ना डिफरेंस है बॉलीवुड मतलब वो टी वी सीरियल वाला जोन ज़्यादा पसंद आया या पंजाब ज़्यादा पसंद? ऑफकोर्स पंजाब ज़्यादा पसंद आता ही है, ऑफकोर्स टीवी टीवी है, बट मैनू टू बी ऑनेस्ट मैं जिहड़ी भी फिल्मां कीतियां वो मैनू बहुत ही पसंद है, इस करके मैं वो फिल्मां कीतियां, बट उसके अलावा जो मैनू चंगी फिल्म लगेगी, जो मैनू चंगी फिल्म मेरे रास्ते आएगी तो मैं करांगी, बट लॉट ऑफ पीपल आस्क मी मैं क्यों नहीं करती, पर इन्नी चंगी फिल्मां मिलदी है नहीं, बट दिस वन आई रियली लाइक, सो आई एम अ पार्ट ऑफ इट। नीरू मैम तुम ज़्यादातर बाहर रहने हो, फैमिली थोड़ी सब, सो मेरा सवाल है कि घर आप कहने फैमिली के नाल होंदा है, बट एक होंदा है ना जी अपनी धरती की जी खुशबू मिट्टी, सो तुहाडे लई ओह की किन्नी क मैटर करदी, तुहानू ओह घर ज़्यादा प्यारा लगता जिथे तुसी पंजाब में गल करां या जिथे तुहाडी फैमिली हुंदी है उत्थे? ऑब्वियसली मैं बच्चों नूं ते हसबैंड नूं मिस करती हाँ, यू नो, बट हुण आई एम 41 ते हाफ ऑफ माई लाइफ मैं पंजाब विच ही कट्टी, इंडिया च ही कट्टी आ, सो मैनू मैं 2 महीने मतलब वह तो कहें कि मैं इंडिया ज़्यादा रहनी हाँ, सो मैं कभी आई डोंट गेट अ चांस कि मैं पंजाब नू मिस करा या कैनेडा नू मिस करा, तो मैं लगता कैनेडा ही एक मतलब सैकेंड पंजाब है, तुसी जिन्हों भी पुछोगे असी उत्थे लकली साड़ी कम्यूनिटी इन्नी स्ट्रोंग है तो असी सारे अपने कल्चर नाल रूट्स नाल जुड़े हुए हैं, एंड स्कूल्स दे विच भी वो सब कुछ सिखाते हैं, यू नो बैसाखी बारे सिखिज़म बारे स्ट्रीट्स गुरमुखी विच लिखे ने, सो असी एक वेरी लकी, आई लव कैनेडा ऑलसो, क्योंकि कैनेडा विच सानू मतलब असी सैलीब्रेट करते हैं साडे कल्चर नू एंड वी प्रमोट इट, सो हाँ जी। सब तो वड्डी गल है कि पंजाबियों के लिए कि चाहे बाहर कितने भी चल जाओ वो पंजाब का जिहड़ा एक होंदा ना फ्लेवर कह लो, एक वाइब्स कह लो, हर कितने मिल जाती है बाहर जाके आपां नूं, सो तुसीं की कहोगे उहदे बारे? हाँ जी, क्योंकि वो गल तो उही आती है, चाहे कनेडा अमेरिका गए तो इतों है ना जी, चाहे मैम उन्होंने दसिया कि फस्ट जनरेशन ने उत्थे, बट जिहड़े इन्हां दे मैं हमेशा कहना हुंदा कि जिवें मैम दे पेरेंट्स ने जिहड़ी स्ट्रगल उन्होंने की वो राह उन्होंने बनाए ने, अज असीं उन्हां ते तुर रहे हैं जी, उन्हां दी वो स्ट्रगल सी, उन्होंने बड़ा कुछ झल्लिया, पर उहदे नाल नाल अपना विरसा कैरी रखिया, सब तो पहला पंजाबी जिथे भी गए है उस दौर दे विच भी, मैं एपसपोर्ट एक गुरु घर च जाके आया तो उन्होंने दसिया भी इहनूं 100 साल ही हो गए, तो अपना सब तो पहला गुरु घर खड़ा किया जी, उदों बाद फिर वह देखते हैं कि साड़ियाँ इतने कल्चरल एक्टिविटीज़ की हो सकती ने बच्चों, ये गल जमा सही है कि साढ़े इतने पंजाब हुण न्याणे हिंदी बोलन लग गए, पर उत्थे स्कूलों के उड़ाड़ा अज भी पढ़ाया जाता गुरु घर जिहड़े खालसा स्कूल बने, तो यह तो पंजाबी चाहे कनेडा नूं तां हुण तुसीं दूजा पंजाब ही कह सकते हो, मतलब कीनिया भी चले जाना जी, उत्थे भी वो अपना नाल ही लैके जाएंगे सारा कुछ, सो मैनू लगता कि दुनिया के किसी भी कोने च वैसे तो कोई कोना बचा नहीं जिते ना पंजाबी होण, पर जिते पंजाबी बंदा जाऊगा उहदा विरसा उहदा सभ्याचार उस मिट्टी की महक वो नाल ही लैके जाऊगा। सो तुसीं हुणे कह रहे सी मेरे बच्चे दैन हसबैंड दा नाम, कदे इदां हुंदा कि तुहाडे हसबैंड जैलस होण कि तू सब जगह उहदे बच्चों, क्योंकि मॉम्स की आदत होंगी बच्चे पहला होंगे, सो ये दसो
हाँ अक्सर कहते होंगे कि पहला तो मैं बेस्ट फ्रेंड सी हूँ अनायास माई बेस्ट फ्रेंड बट ऑल इन जोक नो ही इज़ फाइन उन्होंने भी इक्वल प्यार मिलता है नो प्रॉब्लम मैं चाहवागी कुलविंदर बिल्ला जी एंड जसपाल जी गाना सुना दो सानू बहुत जो थोड़ी फिल्म का है बहुत ज़्यादा लाइक किया गया है दर्शकों के वालों आ जाओ तुम इधर आ जाओ हम सिंगर दो आ जाएंगे जी जरूर पहला तो असं जाते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू डेली पोस्ट के थ्रू सारे दर्शकों पूरे पंजाबियों दुनिया वसदे जो पंजाबी सिनेमे प्यार करते तो 24 मार्च में जरूर फिल्म देख के चल जाती है तो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुहाडे नाल शेयर कर रहे हैं वो बोली पाने आप पंजाब की गल करते बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के लियांदी मदनी हो दुनिया लख वसदी लख वसदी किते मौज ना पंजाब जही लबनी हो दुनिया लख वसदी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत सो एसी मेरे नाल चल जने दी स्टार कास्ट ते फिल्म आ रही है 24 मार्च नू कैमरामैन रमेश नाल मैं जसवीर कौर डेली पोस्ट पंजाबी